सर एक चीज हम आपसे जेन्युइन लोगों की प्रॉब्लम है कि सर मैसेज आता है कि अमृत भाई ज्योमेट्री में 70 को पार्ट है, इसको कैसे खत्म करें। 70 पार्ट हमने भी कभी नहीं देखा है सर, हमने भी नहीं देखा है। और हमको सच में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, छोटे छोटे हैं बट 35 घंटे तो लगेंगे अच्छी ज्योमेट्री पढ़ने में। अच्छा तो 33 मिनट के हैं, 17 मिनट, एक एक घंटा का पार्ट 70 को बोलता है। नहीं नहीं तो उन्होंने किसी और का देख लिया, हमने नहीं करा। हम आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी का कोई कोर्स लेता है तो बोलता है। अरे नहीं वो बहुत ज्यादा है, उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बच्चा क्या करेगा। आप बताओ लोग कह देते हैं 10,000 सवालों की किताब ले लो, पढ़ना संभव थोड़ी है, कोई नहीं ज्ञाता थोड़ी बनना है, पीएचडी थोड़ी करनी है। हर थ्योरम को प्रूफ करना सीख रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है। अच्छा प्रीवियस ईयर का टीसीएस लास्ट 4-5 साल का कर ले कोई मल्टीपल टाइम रिवीजन, 90% सिलेक्शन 90% मार्क्स लेके आ सकता है। एक आधी कोई सवाल ऐसा होगा जो फंसेगा। हाँ ये भी हमको लगता है। आप लोग भी मतलब टीसीएस वो मतलब प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम रिवीजन। और एक बात हमको और लगता है ना सर कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अमृत भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनका क्या है कि वो साल चेंज तो कोर्स चेंज, मतलब उनको लगता है कि बार बार बदल बदल के पढ़ने से ज्यादा पढ़ने एक ही चीज को बार बार पढ़ने से होगा। सर आपकी वीडियो जो थी ना 17 वाली, वो हमने कम से कम 10-15 बार देख ली पूरा कोर्स। एक ही कोर्स एक ही सब चीज को बार बार पढ़ने से ना दिमाग और इम्प्रूव करता है, बिल्कुल बिल्कुल, और प्रैक्टिस करने से। सो फाइनली गाइज उम्मीद है कि जो भी पढ़ रहे हो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, सर से बुलवा दे रहे हैं हम। सर एक बार बोल दीजिए इन लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन का क्या, बार बार पढ़ने से चीजें, क्योंकि अब क्या हो गया है कि 30 ही सवाल आने, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, उसमें रीजनिंग भी देखनी है। प्री और मेंस एक जैसे ही हो गए, पहले तो खाली गणित का होता था, तो आपको जितनी ज्यादा चीजें रट जाएंगी और वो रटती तभी है कि देखते ही पता लग जाएगी इसमें एलिगेशन लगाना है, वो आता है प्रैक्टिस से। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस खुद से करेंगे, खाली वीडियो देख के टीचर के सॉल्यूशन देख के गणित नहीं आएगी, खुद से करनी पड़ेगी तभी गणित आएगी। और एक शिकायत और है कि इनसे क्वेश्चन सर सब कॉन्सेप्ट आता है लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं बनता, स्लो हो जाता है, तो कैलकुलेशन को देना है टाइम, ये बता वही नहीं, ये क्या प्रैक्टिस। जैसे ये वो वाली बात कर रहे हैं कि घर में हमारी मम्मी रामायण तो पढ़ते लेकिन बहुत से बहुत जबरदस्ती, तो इंप्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा। जो रामायण में पढ़ा है उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो सीखना पड़ेगा, जो थ्योरम्स पढ़ी है उनको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। खाली फॉर्मूला किताब याद करने से नहीं आ जाएगी, अगर ऐसे आ जाती तो हमें भी बचपन में अंग्रेजी आ गई होती, हमने भी वो 30 रुपए की किताब ली थी, लिखी थी। हमने तो खैर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरियां लिखी है। तो इनको बोलिए सर कि कैलकुलेशन और प्रैक्टिस और टाइम लगा करके भी याद कर लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं तो केवल ये लोग आप इतना बढ़िया गाइड कर रहे हो एकदम आग में। कोशिश है सर, जितना भटके उतने किसी को नहीं भटकने देंगे, यही प्रॉमिस लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइज मीट ऑफिसर्स, और काफी अच्छा लगा अभिनय सर के साथ, और अभिनय सर अभी जाएंगे, ठीक है, पढ़ो यार सिलेक्शन और सर से मिलो।